वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो नहीं खोलने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखला की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूरी के बाद जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में DGIP, DGISI, वज़ीर दाखला राना सनाउला, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर अमनुल हक भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन कमेटी में वफाकी वज़ीर शेरी रहमान और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद भी शामिल हैं। आला इख्तियाराती कमेटी का पहला इजलास कल होगा। साइबर हमलों को रोकने के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी वज़ीर आज़म हाउस में साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी की तहकीकात करेगी और कमेटी तहकीकात 7 दिन में मुकम्मल करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लेगी और वज़ीर आज़म हाउस में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और डिजिटल इकोसिस्टम भी यकीनी बनाए जाएंगे। कमेटी वज़ीर आज़म हाउस में ई सेफ्टी निजाम का दोबारा जायजा लेगी। कमेटी वज़ीर आज़म हाउस में डेटा को महफूज बनाने के लिए सिफारिशात भी देगी।